राजस्थान के अलवर से प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो प्रेमी बताए जा रहे नसरुल्ला के साथ पुलिस के जवानों के बीच पाकिस्तान की एक कोर्ट में जाती हुई दिखाई दी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने अंजू और नसरुल्ला की कोर्ट में शादी होने का दावा किया। हालांकि नसरुल्ला और अंजू की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान से आए एक वीडियो ने अंजू और नसरुल्ला की पूरी कहानी कह दी, क्योंकि उस वीडियो में अंजू पाकिस्तान की एक कोर्ट में बुरके में निकलती दिखाई दी। इस दौरान नसरुल्ला खान अंजू का हाथ पकड़े नजर आए, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने अपने दोस्त नसरुल्ला से निकाह कर लिया। यही नहीं, अंजू और नसरुल्ला के निकाह नामे की एक तस्वीर भी सामने आई, जबकि अंजू का दावा था कि वो अपने दोस्त नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान गई हैं और कुछ ही दिनों में लौट आएंगी। लेकिन जब उनकी शादी की खबर सामने आने के बाद अंजू के परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि राजस्थान के अलवर में न सिर्फ अंजू के पति अरविंद बल्कि उनके दोनों बच्चे भी अपनी माँ के वापस आने की आस देख रहे हैं। वही पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम फातिमा रख लिया, और एक रोज पहले भी पाकिस्तान की पुलिस ने यह दावा किया था कि अंजू अपने नए घर पाकिस्तान आकर बेहद खुश हैं और वो भारत नहीं लौटना चाहती, जबकि पति अरविंद ने दावा किया कि उनकी पत्नी अंजू ने उन्हें भारत लौटने की बात कही थी। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने पाकिस्तान में धर्म बदल लिया और अब उनका नाम फातिमा हो गया। हालांकि अंजू पहले से शादीशुदा हैं और भारत में उनके दो बच्चे भी हैं। अंजू के परिवार वालों के मुताबिक अंजू की शादी अरविंद से 2007 में हुई थी। दावा ये भी है कि 2019 में सोशल मीडिया पर अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्ला खान से हुई थी। बाद में दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ी कि अंजू अपने पति को बिना बताए और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। उधर राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू और उनकी प्रेमी बताए जा रहे नसरुल्ला का एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि ये वीडियो अंजू और नसरुल्ला खान के प्री वेडिंग शूट का है, मतलब शादी से पहले बनाया गया वीडियो। और उस वीडियो में अंजू और नसरुल्ला पाकिस्तान के एक इलाके में घूमते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। पाकिस्तान की मीडिया ने इस वीडियो को अंजू और नसरुल्ला के प्री वेडिंग शूट होने का दावा किया। इस वीडियो को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें अंजू और नसरुल्ला कभी पार्क, सड़क और एक ब्रिज पर एक साथ दिखे। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि अंजू ने नसरुल्ला से शादी कर ली, जबकि राजस्थान के अलवर में अंजू की 15 साल की बेटी और उसका 6 साल का बेटा उनके इंतजार में है। पति अरविंद का दावा है कि अंजू ने उन्हें पाकिस्तान जाने की भनक तक नहीं लगने दी, और जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उन्होंने फोन पर लाहौर में होने की बात बताई। और इस बीच अलवर की रहने वाली अंजू का पाकिस्तान जाने से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये सीसीटीवी वीडियो 20 जुलाई का बताया गया, जिसमें अंजू पूरी प्लानिंग के साथ अपने घर से निकलती दिखाई दी। और इस वीडियो में 2:03 पर अंजू कहीं बाहर से अपने अपार्टमेंट में दाखिल होती दिखी। उनके हाथ में एक सूटकेस था, जिसे उन्होंने अपार्टमेंट के गार्ड के पास रख दिया। उसके बाद वो लिफ्ट के सहारे अपने फ्लैट में जाती नजर आई। इसके ठीक 43 मिनट बाद यानी 2:46 पर वापस आई और अपना सूटकेस उठाया और अपार्टमेंट के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा पर बैठकर चली गई। और कहा जा रहा है कि यहां से पहले वो दिल्ली गई, दिल्ली से अमृतसर गई और अमृतसर से वाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान चली गई। इससे पहले अंजू ये दावा कर चुकी हैं कि वो पाकिस्तान जाने के लिए बीते 2 साल से प्लानिंग कर रही थी। इस बीच राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाली अंजू पर उनके रिश्तेदारों का गुस्सा फूट पड़ा। अंजू के परिवार के सदस्य और कई रिश्तेदार काफी नाराज दिखे और उनके अचानक पाकिस्तान जाने के फैसले पर नाराजगी जताई। और न्यूज 18 से बातचीत में अंजू के मामा ने उन पर अपनी भड़ास निकाली। अब तो हमारे लिए मर चुकी है, पाकिस्तान चली जाए चाहे वो अफगानिस्तान जाए। इस बीच अंजू के पिता ने भी उनको लेकर हैरान करने वाला बयान दिया और उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता डाला। मेंटली डिस्टर्ब है, उसको कुछ भी समझाने से उसके समझ नहीं आता, किसी की बात नहीं मानता। वहीं परिवार वालों ने ये भी दावा किया कि उनकी अंजू से कभी बातचीत ही नहीं होती।